आशीष गुप्ता सर इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय रिसेंटली, और घर में एक छोटा बच्चा था, उसके साथ रहते हुए आपने ये सब चीजें मैनेज की हैं सर। तो मैं इसलिए थैंक्स टू माय वाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटा है और वो मैनेज कर रही है, और मैं इतने घंटे जो है बाहर हूँ, अपनी क्लास में बिजी हूँ, तो वो चीज समझी कि यार ये भी जरूरी है। तो ये मैं कहूंगा वो कंबाइंड एफर्ट था और बच्चों को पसंद आई, मुझे इस बात की खुशी है। A very warm welcome to all the viewers who are watching this channel. आप सभी का स्वागत है इस शो पे जिसका नाम है पॉपकॉर्न पार्टी विद प्रिया। विद्यास्थल चैनल पर आप सभी ने इंजॉय की है बहुत सारी सीरीज, इनमें से हमारी वन ऑफ द मोस्ट हिट एंड फेमस सीरीज रही है कॉस्ट सीरीज। ये सीरीज जब हमने अनाउंस की थी उसके जस्ट बाद लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद भी ये सीरीज सक्सेसफुल रही, आप सबके बीच में बहुत फेमस हुई। आज हम जानते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं कि इस सीरीज को आप तक पहुंचाने में हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, किस तरीके से ये सीरीज शूट हुई, किस तरीके से ये आप तक पहुंची है। इसके लिए, इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है आप सबके प्यारे कॉस्ट गुरु चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष गुप्ता सर और माय शो पॉपकॉर्न पार्टी विद प्रिया। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय शो पॉपकॉर्न पार्टी विद प्रिया। कैसा लग रहा है सर आपको मेरे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बुलाया, मुझे मैं सच में थोड़ा फील हो रहा है कि कोई इज्जत दे रहा है ना, एक्टर वाली फीलिंग आ रही है। सर और बोलिए प्लीज। मैम वही मैं कहना चाहता हूँ ना कि टीचर बिरादरी से बिलोंग करते हुए हमें अच्छा लगता है कि हमें कोई सुने, घर पे कम लोग सुनते हैं तो यहाँ पे कोई सुन रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप मेरे पॉपकॉर्न पार्टी विद शो पे आए तो आपका पॉपकॉर्न लेना तो बनता है। पॉपकॉर्न ले लेता हूँ, स्पॉन्सर्ड बाय पॉपकॉर्न, हमारे स्पॉन्सर है पॉपकॉर्न घर में बने हुए। बताइए जी सर। सर ये जो शो है आज बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट सीरीज, आपने एक बहुत ही सक्सेसफुल बहुत हिट एक कॉस्ट सीरीज बच्चों को दी है, तो हम आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे इस बारे में डिस्कस करने के लिए कि क्या हार्डशिप्स रही, कैसा रहा। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है सर आपके लिए वो ये है कि हाउ वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस कॉस्ट सीरीज। मैम एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट है ना, कंक्लूजन जो होता है वो बहुत अच्छा। ऑब्वियसली हार्डशिप्स थी लेकिन वही कंक्लूजन, अगर किसी भी चीज़ के हमें फ्रूट्स अगर अच्छे मिल जाते हैं तो पेड़ उगाने में जो टाइम लगा उसको इतना मलाल जो है वो नहीं रहता है। तो हार्डशिप्स थी, शुरू करा बीच में लॉकडाउन भी लग गया और काफ़ी चीज़ें मैंने अपने खुद अपने पर्सनल तरीके से बिना किसी हेल्प के मैंने करी। फैमिली सपोर्ट मैं कहूँगा बहुत रहा, क्योंकि सच बताऊँ तो फैमिली में और रहते हुए बहुत घंटों तक क्लास करना, वाइफ डांटती भी थी, वो सब मैनेज करना भी मुश्किल था। बिकॉज आशीष गुप्ता सर इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय रिसेंटली, और घर में एक छोटा बच्चा था, उसके साथ रहते हुए आपने ये सब चीजें मैनेज की हैं सर। तो मैं इसलिए थैंक्स टू माय वाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटा है और वो मैनेज कर रही है, और मैं इतने घंटे जो है बाहर हूँ, अपनी क्लास में बिजी हूँ, तो वो चीज समझी कि यार ये भी जरूरी है। तो ये मैं कहूँगा वो कंबाइंड एफर्ट था और बच्चों को पसंद आई, मुझे इस बात की खुशी है। तो आधा जो एप्रिसिएशन जाता है, आधा नहीं आई गेस पूरा एप्रिसिएशन जो जाता है वो मैम को जाता है। बिल्कुल। तो बच्चों की तरफ से रिस्पांस जो मैं देख रहा हूँ, बच्चे बड़े बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं, टीचर की नज़र से बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ यार इनको शायद समझ में आया और ये उस पर फर्दर अपना काम कर रहे हैं। तो डाउट्स आते हैं और डाउट्स के लिए और भी कई चीजें बच्चों के लिए आने वाली हैं। ओके सो हियर इज अ सरप्राइज फॉर यू, वेट कीजिए विद्यास्थल चैनल पे, लगे रहिए, देखते हैं क्या सरप्राइज आता है आप सब। सर आपने जो मेहनत की उसका फ्रूट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। जी। लाइक मैं अभी एकेडमी में गई थी कुछ दिन पहले, विजिट किया था, तो आई केम टू नो कि ऑल ओवर इंडिया से, वेदर इज गांधीनगर, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ से आप लोगों, मतलब बच्चे दे आर लाइक कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए। वो क्लासेस देखने के बाद, पूरी कॉस्ट सीरीज देखने के बाद, दे हैव परचेज्ड योर गूगल ड्राइव क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस। बात है ये न्यूज़ मैं आपको सुना दूं, आपसे ही मेरे को मिल रही है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बुकिंग्स जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। सर वो तो डेटा मैनेजमेंट शेयर कर ही लेगा आपके साथ। जी। पर ये फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, इस चीज की हमें आपसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने जो मेहनत की है सर, इतना दिन रात लग के इस सीरीज के लिए, सीरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसके फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं सर। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। बिल्कुल, क्योंकि जो सीरीज थी दैट वॉज लाइव और बहुत बच्चे कई बार
एट अ कंटिन्यूस स्ट्रेच कि हमने तो चलो कर ली, वो कई बार नहीं कर पाते और कि हर किसी का समझने का एक स्पीड है. तो उन बच्चों के लिए ऑब्वियसली हमारे पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसको वो परचेज कर सकते हैं. और आपने जैसे बताया तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे कर भी रहे हैं. मैंने भी, मुझे ध्यान है, मैंने क्लास में अपील करी थी कि इफ़ यू नो कोई भी बच्चे को लगता है कि यार मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई तो वो वेस्ट टाइम वेस्ट ना करे और जल्दी से जल्द, क्योंकि पूरी तरीके से सपोर्ट विद्यास्थल की तरफ से मिल रहा है, चाहे वो पेन ड्राइव के थ्रू हो क्लास, चाहे वो गूगल ड्राइव के थ्रू हो, चाहे वो हमारी लाइव क्लासेस जो चल भी रही हैं. तो बच्चे को टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वो डोंट वेस्ट योर टाइम. अभी क्लासेस आपको पास 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल भी है. सो अगर आपकी क्लासेस मिस हुई हैं या आप परचेज करना चाहते हैं तो आप विद्यासल एकेडमी को, विद्यासल मैनेजमेंट को कांटेक्ट कीजिए. 50% डिस्काउंट अवेलेबल है. Am I right, और sir? मैं बच्चों को ये भी बता दूं कि जो डिस्काउंट विंडो है वो बीच में बंद हो गई थी. लेकिन वो विशाल सर ने आप लोगों के लिए खुशखबरी, वो एक चीज जो हमेशा आपने देखा होगा विशाल सर आते हैं विद अ गुड न्यूज, तो यहाँ पर भी एक गुड न्यूज़ ये है कि टिल 30th June जो है वो डिस्काउंट विंडो फिर ओपन हो गई है. तो आप लोग अगेन वही 50% डिस्काउंट के साथ, क्योंकि देखिए किसी भी बच्चे की पढ़ाई में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आनी चाहिए और हम नहीं चाहते कि पैसा किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन बने कि यार मैं इतनी कैसे मैं क्लासेस खरीदूँ. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जल्द से जल्द उसकी बुकिंग कराइए. सो इस शो पे आप सबके लिए आ गई है खुशखबरी, आपकी जो डिस्काउंट विंडो क्लोज हो गई थी 16 जून को वो अब एक्सटेंड हो गई है टिल 30th June. नाउ डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, परचेज कीजिए क्लासेस और रिजल्ट दीजिए. सर आप जब अपना ये पूरा सेटअप अपने घर पे लेके गए, एक विद्यास्थल एकेडमी पे एक स्टूडियो माहौल था और उसके बाद जब आपने घर पे सेटअप डाला ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो मैंने भी आपकी उस टाइम पे क्लासेस देखी थी. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को आप लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं. दैट बिकॉज न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हर एक चीज़ को हाथ से लिख लिख के समझाना होता है, एक्सप्लेन करने होते हैं और आप लैपटॉप के थ्रू आए थे सर, दैट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी. तो आप एक्सप्लेन करेंगे सर कि किस तरीके से आप इस तरीके से आए हैं बच्चों के सामने. मैम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा, उम्मीद है बाकी बच्चों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है सर. मैं सही बताऊं तो मेहनत तो बहुत ही, लेकिन मैंने ना बहुत ही देसी, जो होते ना देसी यूट्यूबर्स, आपको मैं सीरियसली बता रहा हूं, कुछ टेबल्स को खड़ा करके कैमरे को अपनी हाइट पे, क्योंकि मेरा ना सबसे बड़ा फोकस मैंने आपको बताया इंटेंशन ये थी कि बच्चे को अट्रैक्टिव लगना चाहिए. और अट्रैक्टिव से मेरा मतलब ये है कि जैसे एक फेस टू फेस में एक बच्चा पढ़ता है, मैं चाहता, मैं हमेशा से इस टाइप का टीचर रहा हूँ कि जिसने ख्याल किया है कि बच्चे को कैसा लग रहा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ठीक है, उसे एक बच्चे को कैसा लग रहा है और वो सिंसियरिटी चीज़ों को ग्रास्प कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो वो सब चीज़ें करी, टेबल लगाई, कैमरा लगाया. और जो अब लैपटॉप से बात कर रही है, एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट ईयर से लॉकडाउन लग गया था तो ऑब्वियसली हमें अपनी पढ़ाना तो हमने कंटिन्यू करना ही था, तो लैपटॉप से हमने क्लासेस जो है वो लेना स्टार्ट किया. तो आप ये समझ लीजिए कि वो तब से जो मेहनत चलती आ रही है वो उसका ये प्रोडक्ट ये है कि आज हम, मैं ये चीज़ आसानी से कर पाया. और इसमें एक बात और बोलूँगा, मेरा भी एक लालच था, मेरी ना राइटिंग एक्चुअली बहुत ख़राब है तो लैपटॉप पे जब लिखते हैं तो कीबोर्ड से, वो शायद किसी ने सोचा अगर आशीष सर की राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आज वो खुलासा कर रहा हूँ कि वो कीबोर्ड की राइटिंग थी. सर अब कंट्री में अनलॉक हो चुका है, विद्यास्थल एकेडमी पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं, और जैसा कि मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी आपको फेस टू फेस क्लासेस में ज्यादा इंटरेस्ट आता है जी, साथ ही साथ आपने एक ऑरा बना दिया अपना कॉस्ट गुरु, बच्चे लाइक पागल हैं थोड़े से कि मतलब कॉस्ट गुरु ऑफ विद्यास्थल एकेडमी एंड एवरीथिंग. तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसे मैनेज करने वाले हैं अपने फेस टू फेस स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ आपके यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो एक टाइम आते ही आपका वेट करने लग जाते हैं, हाउ आर यू गोना मैनेज दोस थिंग्स. हम सबसे पहले तो आपके शो के माध्यम से मैं क्या कहता हूँ कि एक बात बच्चों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैंने आज तक साथ किसी का नहीं छोड़ा, तो हर बच्चे को पूरा सपोर्ट जो है मेरी तरफ से मिलेगा. आपके सवाल का जवाब ऑब्वियसली फेस टू फेस मुझे ज़्यादा पसंद है, और वो मुझे पसंद बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद है क्योंकि वहाँ पर बच्चा जो है खुल के बात कर पाता है अपने मन के जो भी सवाल हैं, ठीक है, टू वे इंटरेक्शन, हाँ वो ऑब्वियसली होता है. अच्छा उसके लिए हमने एक बेस्ट अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं है हमारे पास. तो एक तो जैसे आपकी बात थी कि YouTube स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत कुछ नया आने वाला है. एक हम नई सीरीज़ जो है लॉन्च करने वाले हैं जो डाउट्स इंटरेक्शन, क्योंकि डाउट्स के बिना मेरे हिसाब से पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती. हाँ.
मैं बल्कि उसका नाम भी मैं रिवील कर दूं, मिशन मंगल हम लोग लेकर आने वाले हैं, जिसमें हर मंगलवार जो है वो हम लोग मिला करेंगे। इसके अलावा हमारी जो फेस टू फेस क्लास है वो मैं बेसिकली लाइव जो जूम सॉफ्टवेयर है उसके साथ ही मैं लूँगा, ताकि जो ओवरऑल जहाँ भी हमारे देखने वाले इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जूम के जरिए भी जुड़ सकते हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूट पर आके पढ़ना चाहे वो क्लास साथ में चलेगी। तो एक तरीके से सबको ही एड्रेस करने का प्लान है, किसी को भी हम अब छोड़ेंगे नहीं, मतलब आपको भैया अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पास जो है नंबर दिलवा के रहेंगे हम लोग, हम आपको पास करवा के ही आपका पीछा छोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही अल्टीमेट जो गोल है वो यही है। सर मैं अभी आपसे जस्ट पूछने ही वाली थी कि अब आप बच्चों के लिए कॉस सीरीज के बाद क्या नया लाने वाले हैं, और अभी आपने रिवील कर ही दिया है कि मिशन मंगल आ रहा है, तो मैं और ये सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि मिशन मंगल क्या है। इसमें मैम बेसिकली क्या होगा, जैसे मैंने अभी अभी बात बोली कि बिना डाउट्स के पढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना। और मैं आपको सही बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा करियर रहा है, डाउट्स के लिए भी ना बच्चों को मुझे मतलब हिला हिला के बोलना पड़ता है कि डाउट्स पूछ लो, क्योंकि हर बच्चा डाउट पूछने में भी कंफर्टेबल नहीं है। वो भले ही फेस टू फेस क्लास हो, और शायद बच्चों को ये लगता है कि टीचर को बुरा ना लग जाए, वो क्या सोचेंगे यार ऐसा डाउट पूछ लिया। तो डाउट सारे मुझे बताने हैं, इनफैक्ट अभी भी डाउट्स चल रहे हैं। विद्या सर का टेलीग्राम चैनल है, हमारा कॉस्ट कैलकुलेशंस का ग्रुप है, जिस पे डाउट्स आते रहते हैं। लेकिन अब जो हम सीरीज लाने वाले हैं, जैसे आपने पूछा ये मिशन मंगल में क्या होने वाला है, ये टू वे इंट्रैक्शन जो है वो हम करने वाले हैं, जिसमें मैं अपने कॉस्ट कैलकुलेशंस का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वेल इन एडवांस में बता दूंगा कि इस ट्यूजडे को हम ये चैप्टर्स जो है वो डाउट्स कवर करेंगे। तो फिर वो ट्यूसडे को हम टू वे इंट्रैक्शन के जरिए मतलब बच्चे जहाँ पर प्रॉपर अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, और मैं हाथों हाथ उनका जवाब दूंगा। तो इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, जो बच्चे के लिए बहुत सपोर्टिव होने वाला है, क्योंकि सही बताऊँ तो कोई भी क्लास देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे ने जो अपनी मेहनत करी है, और डाउट देखिए हर किसी का आता है तो वो पूछना ज़रूरी है, तो वो चीज़ें सब हैंडल होंगी। और उसकी जो डिटेल्ड प्रॉपर बच्चों को इंटीमेशन है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर होगा और उन्हें कैसे ज्वाइन करना है, ये सब उनको वेल इन एडवांस एक अलग वीडियो मैं या विशाल सर जो है वो बना के बच्चों को प्रॉपर इंटीमेट करेंगे, किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। ओके सर, तो आप सभी अब हर मंगलवार तैयार रहिएगा आपके डाउट सेशंस के लिए। डिटेल्स आपको विद्यासल चैनल पे मिल ही जाएंगी। मिशन मंगल बी रेडी। सर अब मेरे पास आपके लिए है बहुत ही स्पेशल चीज, शायद आपको भी पता ही होगी क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही चुराया है। तो बताने के बाद पता लगेगा। हाँ सर, एक सेकेंड सर, लेट मी ओपन दिस। और ये है आपका सरप्राइज। सर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी अभी थोड़े दिन पहले, एंड आई केम अक्रॉस सम वेरी वेरी गुड कमेंट्स, कि मुझे लगा कि नहीं ये कमेंट्स तो इस शो पे मुझे अक्नॉलेज करने ही चाहिए। आपने पढ़ी ली होंगे। अमित शुक्ला कह रहा है सर, वेलकम सुपर स्टार शाहरुख खान ऑफ कॉस्टिंग इंडस्ट्री। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं सर, बच्चों का प्यार है ये तो। कोई जू है जो कह रहा है, आई हैव नेवर सीन सच अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच फॉर्मूला इन कॉस्टिंग अदर देन विद्यास्थल। आशीष गुप्ता सर इज रियली अ कॉस्ट। ये कमेंट मैं सीरियसली ले लेता हूँ, क्योंकि बाकी ये तारीफ जो मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता। मेरा पता नहीं, मेरे अंदर एक कीड़ा है कि ज्यादातर बच्चों का जो होता है ना, जो डाउट होता है, मैं उसको थोड़ा पस ज्यादा पढ़ता हूँ। नहीं सर, बच्चे इतना आपसे बेनिफिट उनको मिला है तभी वो इतना लिख पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चों का प्यार है, और मेरी कोशिश हमारी अल्टीमेटली यही थी कि उनको फायदा होना चाहिए। अगर उनको फायदा नहीं हो रहा तो इन सबका कोई फायदा, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। जनरली नॉर्मल व्यूवर्स आते हैं, व्यू करते हैं, अपने काम की चीज देखते हैं, चले जाते हैं। जी। जिसको दिल पे लगती है ना सर, वही आगे कमेंट करता है। चलिए, तो इतना प्यारा कमेंट किया सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। प्रयागराज नायक कहते हैं, थैंक यू सर वेरी मच आपके एफर्ट्स के लिए, ऐसे वंडरफुल सीरीज लाने के लिए। थैंक यू सर, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। यश मुंद्रा ने इस चीज को एंडोर्स किया है, थैंक यू आशीष सर फॉर योर एफर्ट्स टुवर्ड्स अस, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इन अ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। सिंपल मैम, सिंपल करने की ही मुझे कई बार ये मैंने खुद फील किया है कि बच्चे जो है कई बार
पढ़ाई को या किसी भी नए सब्जेक्ट को या किसी भी नए चैप्टर को ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मन ही मन मान लेते हैं। और ऐसा होने के बाद ना, ये शायद आप भी अपने, अगर आप अपने बचपन को याद करें तो कई जो हमें मुश्किल लगता है ना, हम उसे इग्नोर करना फिर शुरू कर देते हैं, और ये कॉस्टिंग के साथ होता है। Exactly, तो मेरे साथ तो होता ही था। हाँ, तो मैथ्स में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो मेरा काम ये था कि मैं इस सब्जेक्ट को जितना हो सके उतनी आसानी से पेश करूँ कि यार इतना भी बड़ी चीज़ है नहीं जितना लोग बताते हैं। और मैंने कोशिश करी, बहुत ही देसी तरीके से बात करी, और क्योंकि आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ स्टॉक ऑडिटर तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे। तो यही चीज़ मेरे ख्याल से बच्चों को अच्छी लगती है कि सब कुछ प्रैक्टिकल ही बता रहे हैं। हाँ, एंड आपको इतना प्यार मिला है सर इस कॉस्ट सीरीज के बाद। मैं ये कमेंट्स देख रही थी जी, और अगर मैंने सारे कमेंट्स पढ़ना शुरू किया, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ सकती क्योंकि फिर शाम हो जाएगी। एक लास्ट पढ़ लेते हैं सर। आरवी, बाय द वे सर, लिटरली आपने बहुत अच्छे कॉस्ट के टॉपिक्स करवाए हैं, एक बार में ही माइंड में सेट हो गए हैं, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी बात है। और बाकी बच्चों ने तो इतने लंबे लंबे टेस्टिमोनियल्स लिखे हैं सर आपको कि इस शो पे लाना पॉसिबल नहीं है। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्टीमेटली सब कुछ बच्चों के लिए ही किया था, और बच्चों को अगर अच्छा लगा तो ये खुशी की बात है। हाँ, लेकिन और ज्यादा अच्छा तब लगेगा क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि इस सीरीज़ में पढ़ाया तो है ही, लेकिन मैं मोटिवेशन उनके अंदर भर सकूं। ये बात मैंने बार बार शायद बोली होगी अपनी क्लास में, कई बच्चों को लगा होगा एक ही बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा ज़रूरी था कि उनको अपनी सेल्फ स्टडी भी बहुत करनी है, मेहनत बहुत करनी है। जो कि मैं जानता हूँ, जो हमारे CA CMA कोर्सेज हैं, ये सिर्फ कोई भी कोचिंग क्लास लेने से ही पूरे नहीं होते, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और मुझे बेहद खुशी है, जैसे हमारा टेलीग्राम का मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रुप है, बच्चे उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर, मतलब एक बच्चा जब मेरे से डाउट पूछ रहा है तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि वो पढ़ रहा है, क्योंकि शायद जो डाउट नहीं पूछ रहा वो पढ़ ही नहीं रहा। तो ये तो अब अल्टीमेटली जो बेहद खुशी है वो तब मिलेगी जब वो लोग पास हो जाएंगे, पास क्या, अच्छे नंबर लाएंगे, एग्जामिशन लाएंगे, डिस्टिंक्शन लाएंगे और मिठाई खिलाएंगे हम, तब हमें मेन खुशी। We are waiting for your sweets. हाँ जी। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी क्योंकि अब बच्चों के एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं, डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए कि छोटा कम टाइम बचा है, कैसे यूटिलाइज करें इस कम टाइम को? सबसे पहली बात जो है ना, मैं बोलूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बच्चे जब भी समय करीब आने लगता है ना तो बहुत ही ज्यादा टेंशन देने लगते हैं, और फिर हमसे पूछ रहे हैं क्या करूं, इतने टाइम में क्या करूं। मतलब सोचने से ज्यादा तो भाई बेहतर यह है कि तू काम करना पहले शुरू कर दे। मैं 4 घंटे में सोचने में लगा दिया, 4 घंटे में तो शायद बहुत कुछ हो जाता, कम से कम मान लो कॉस्टिंग के 4-5 सवाल तो हो ही जाते। तो बहुत ओवर थिंक ना करें, काम करना स्टार्ट करें। और बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, मैं आपको सही बताऊं, ऑब्वियसली टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, ये कहना इतना ठीक नहीं लगता कि सर मैं सिर्फ ये कर लूं क्या मैं क्लियर हो जाऊंगा। ऑब्वियसली इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, मैंने पेपर सेट नहीं किया तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि तुम सिर्फ ये कर लो। और ऐसा भी नहीं है प्रोफेशनल पढ़ाई में कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बुक से आता है। सो मेरा तो ये मानना है कि बच्चे को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जो आपका परम पूजनीय इंस्टीट्यूट है, जो CA इंस्टीट्यूट है, जो CMA इंस्टीट्यूट है, वो बहुत करता है बच्चों के लिए। हम वी शुड रियली थैंक आर इंस्टीट्यूट्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, वर्क बुक्स, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन CMA स्टूडेंट्स के पास हैं। तो देखा जाए तो आप, यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, आपको सारा काम करना चाहिए। हाँ, पेपर आपके करीब हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि पास्ट ईयर एग्जाम्स जिनके मतलब हैं, जैसे 10 दिन में पेपर है, 15 दिन में पेपर है, पुराने सालों के पेपर आप हमेशा ट्राई करिए। वो मेरे ख्याल से वो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, जो कि कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे ख्याल से बच्चा बहुत कुछ आने के बाद भी शायद दिक्कत कर देगा। तो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन इज द मेन की, वो जरूर करना है। जैसा कि अभी आपको सर ने स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत ही कम टाइम रह गया एग्जाम्स में, तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, अपने सारे डाउट्स एक जगह लिख लीजिए। और मिशन मंगल आ ही रहा है आप सबके डाउट सेशंस क्लियर करने के लिए, तो बी रेडी फॉर मिशन मंगल, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, स्टार्ट वर्किंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सर बहुत हो गई प्रोफेशनल बातें, पारिवारिक शो है, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। आप जितने हार्डवर्किंग अपने
प्रोफेशन में हैं, अपने करियर में या विद्या स्थल पे, जितना आप हार्डवर्किंग हैं, आप घर पे भी उतने ही हार्डवर्किंग हैं, घर पे भी काम करते हैं उतना ही? कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ, इक्विवेलेंट डांट उतनी पड़ जाती है वही, लेकिन अपने कर्म कर देता हूँ। कर्म को इलैबोरेट कीजिए सर थोड़ा सा। मैम इलैबोरेट क्या करूँ, देखिए अब शादीशुदा आदमी को डांट तो पड़ती है ये तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, तो विशाल सर भी जानते होंगे। आई होप मैम सुन रही है। हाँ वो भी मान ही रही होगी हाँ कि सही बोल रहे हैं। तो हाँ मैं पूरी अपनी मेहनत करता हूँ, मतलब घर के जितने भी काम हैं, मतलब मैं आपको एक बात बोलना, सीरियस नोट बोलना चाहूँगा, ये बात मैं कभी भी हमेशा से नहीं मानता कि ये काम आदमी के होते हैं और ये काम औरत के होते हैं। तो ये मैंने हमेशा मतलब घर में अगर मैं बताऊं तो घर में चाहे तो वो बर्तन धोना हो या और बाकी साफ़ सफाई हो, क्योंकि बीच में आपको सही बात, तो पैंडमिक सिचुएशन थी कोरोना, तो मेड्स वर नॉट अलाउड इन द हाउसेस, तो सबने सारे काम मिलकर मैनेज किए, ठीक है ना। इतने काम कर लेता हूँ जितने मेरे से होते हैं। हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ, उनके बदले में डांट पड़ जाती है तो वो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वो मैं मान चुका हूँ कि वो अब जिंदगी का पार्ट है। मैं सर विशाल को भेजूंगी सर आपके पास ट्रेनिंग के लिए, प्लीज उनको अच्छे से ट्रेन कीजिएगा। अब आते हैं इस शो के एंड पे, और ये शो का जैसे प्रथा है जी, दिस शो एंड्स विद अ रैपिड फायर राउंड, तो रैपिड फायर में फर्स्ट क्वेश्चन है सर आपके लिए, फेस टू फेस क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस? जल्दी सर टाइम नहीं है। फेस टू फेस। फेस टू फेस सर, श्योर? ऑनलाइन वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे। नाराज मैम कोई ना हो, मेरे को ना थोड़ा सामने शक्लें देखना पसंद है, बस सिंपल सी बात। आप मेरे साथ ऑनलाइन आओ, आप कैमरा ऑन करो। जो बच्चे अभी ऑनलाइन हैं वो ये शायद मेरी बात सुन के बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे कि मैं कैमरा जबरदस्ती ऑन करवाता हूँ, तब भी कुछ बच्चे नहीं करते, नहाते नहीं है ना सर। ये तो कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी मजबूरी हो सकती है, कोई बच्चे भी अपने कोई मोबाइल डेटा से पढ़ रहा है तो नहीं कैमरा ऑन करता, तो लेकिन मैं हमेशा मैं कोशिश करिए कि मैं फेस टू फेस और इसको बिल्कुल इक्विवेलेंट रख पाऊँ, सिंसियरिटी लेवल सेम रहे, लेकिन ऑब्वियसली जो जो कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन है और जो आमने सामने हम देख सकते हैं वो ऑब्वियसली फेस टू फेस में ज़्यादा बेटर अवेलेबल है। ठीक सर, एक्सेप्टेड। नाउ सर आप FM भी पढ़ाते हैं कॉस्टिंग के साथ साथ, तो विच सब्जेक्ट यू चूज, कॉस्ट या FM? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, फिर FM के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मैम नाइंसाफी इसलिए नहीं होगी, देखिए अपनी अपनी एक पसंद होती है, कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है लॉजिकल है, देर इज़ नथिंग टू मग अप, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आम देसी लाइफ है, ठीक है। मैं कॉस्टिंग के बारे में एक बात बता दूं कि बहुत बच्चों को माइट भी शायद ये लगता होगा कि यार बाद में जाके इसका क्या काम है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कॉस्टिंग जो है ना वो बच्चों के स्किल्स को बढ़ाता है। नहीं भैया बाद में बहुत काम आती है, हमको आज तक काम आ रही है। नहीं आती है, लेकिन जो मैं जिन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन, मेरे ख्याल से बच्चे एग्री करेंगे, जितनी कंसंट्रेशन कॉस्टिंग में लगानी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से मुझे मतलब सही बताऊँ मेरे को रिकॉर्डिंग जब मैंने सीरीज हमने करी, मतलब आए मुझे कई बार फील आया जैसे क्योंकि मेडिटेशन नहीं होती कि इतने घंटे से लगातार एक हम दिमाग लगाए जा रहे हैं किसी चीज़ों पे, और रीडिंग स्किल्स मुझे लगता है ये स्किल्स जो हैं ज़िंदगी में बड़े काम आएंगे, और हिसाब किताब तो ज़िंदगी में हर किसी को करना ही है, डिसीजन मेकिंग एक माइंड प्रोवाइड जो है वो करता है, और मैं सही बताऊँ तो अपनी ऑब्वियसली घर पर सारी कॉस्टिंग लगाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि फिर वो वाइफ बोलेगी कि भाई तुम हर चीज़ में कॉस्टिंग लगा रहे हो, है ना, कि मैं अपना अपने टॉपिक्स को अपने घर पे ले आया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक बार में इतना ही खरीदना है, इतनी ही शॉपिंग करनी है, तो मार पड़ेगी मेरे को, तो ऑब्वियसली मैं घर पे नहीं लगा सकता, लेकिन तब भी एक वो डिसीजन मेकिंग माइंड जो है वो सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, तो मेरा जो वोट है वो कॉस्टिंग की तरफ है, बट ऑल्सो आई लव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन कॉस्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। जी ये बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, मेरे को क्या अच्छा लगता है ये शायद थोड़ा कम प्रायोरिटी रखता है। चलिए सर इस शो को खत्म करते हैं विद द लास्ट रिक्वेस्ट जी, एक एक वन लाइनर हो जाए विद्यास्थल की सारी फैकल्टीज के लिए, मैं नाम लेती जाती हूँ सर, आप एक एक वन लाइन में उनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, वन एंड ओनली विशाल सर, मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड केयरिंग आल्सो। ओके राकेश कालरा सर, हमारे अकाउंट्स के फेमस टीचर, डायनामिक आई वुड से, डायनामिक वेरी गुड, एंड हमारे जो लॉ के सितारे हैं प्रकाश सर, इलैबोरेट
और लॉ में वो चाहिए भी, वो बहुत एलैबोरेटली बच्चों को समझाते हैं बहुत ही देसी तरीके से, और वही चाहिए सॉफ्ट स्पोकन. हाँ. एंड दिशा मैम. दिशा मैम जो है बहुत मतलब क्वालिटी जो है वो ऑब्वियसली है, और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट, जो मेरे को लग रहा है प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है. मैं श्वेता मैम के लिए मैं खुद ही बोल देती हूँ, वेरी बबली, वेरी स्वीट श्वेता मैम. उनके लिए आप अपनी तरफ से श्वेता मैम को मैं थोड़ा ज़्यादा पर्सनली मैं जानता भी हूँ, मैंने खुद देखा है, काफ़ी हमने साथ में पढ़ाया है. वो मैं कहूँगा हार्डवर्किंग बहुत है, ठीक है. आप उनसे जितने मर्जी डाउट्स पूछ सकते हो, और ये मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है टीचर की. मुझे नहीं लगता है टीचिंग जो है वो कंप्लीट है विदाउट यू नो रिड्रेसल ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट्स. बच्चा पूछ रहा है, और होंगे शायद ऐसे भी टीचर्स होंगे जो बच्चा पूछ रहा है और नहीं बताते होंगे, या आफ्टर द क्लास जो एक तकिया कलाम है कि बाद में पूछ लेना. और मेरा एक वो है कि जब कोई बच्चा पूछे तो उसे हाथ के हाथ नहीं तो ना, कई बार ये भी आपको मैं बच्चों को शायद अजीब लगेगा, बच्चे शायद ये सोचते हैं कि इसे आता नहीं होगा. मतलब अगर बच्चा कोई मेरे से पूछे और मैं ये बोल दूं कि बाद में बताऊंगा, तो शायद वो यही सोचेगा कि मुझे नहीं आता. तो मेरी एक आदत है कि हाथ क्या, तो वही चीज़ मैंने श्वेता मैम में भी देखी है कि बहुत हार्डवर्किंग है और बच्चों का सपोर्ट वो हमेशा करती है. वन लाइनर से ज़्यादा हो गया थोड़ा सा. ये ऐसे था. चलिए सारे बच्चों की तरफ से, टीम विद्या सेल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. आप बच्चों के लिए कॉस सीरीज लेके आए. थैंक यू सो मच. अभी भी और भी आगे बहुत कुछ आने वाला है. आपने विद्यासेल एकेडमी का बच्चों के बीच में आप कॉस गुरु के नाम से फेमस हुए. सारे बच्चों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया सर, आप मेरे शो पे आए, मेरे शो की ग्रेस को इतना बढ़ाया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वॉज माई प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया अपने शो पे. इट वॉज माई प्लेजर सर. थैंक यू. आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद ये शो को इतना हिट बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए. आपका प्यार मुझे ऐसे ही चाहिए. हम बहुत जल्दी फिर से एक नया शो लेके आएंगे आपके सामने. टिल देन बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय. हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग. आप सभी का स्वागत है हमारे प्यार आप सभी का स्वागत है इस चैनल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स हु आर वाचिंग दिस चैनल. आप सभी का स्वागत है इस मैं ऐसे शो और चैनल इस पर अटक गई. सर अब हो गया है ऑन लॉक. ऑन लॉक. सर अब हो गया है अनलॉक कंट्री में, और अब मुझे जैसे पता है, जैसे मैं जानती हूँ कि आप सर अब कंट्री में कंट्री में ऑनलाइन लग गया. आप लॉकडाउन कैसे लगाओगे. बहुत भीड़ है रास्ते में.